ये मेरी वाइफ से बात करवानी थी, वो आपको हलवे की रेसिपी बताएंगी, आप मुझे समझा दीजिएगा। एक मिनट राजकुमारी जी, हुकुम। हम राजकुमारी जी से ये हलवा सीख भी लेते हैं और बना भी लेंगे। आप तब तक जाके महाराज जी से ये पूछ के आना कि उनको मेवे वाला हलवा खाना है या बिना मेवे ही रखवाना। जी राजकुमारी जी, मैं गौरी। गौरी देखो, मेरे जैसे हलवा ना सिर्फ तुम ही बना सकती हो। जी जी राजकुमारी जी, मैं ही बना सकती हूँ क्योंकि आप और मैं एक ही तो हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मैं खाता हूँ। है जलवे में तो जादू है। किसने बनाया ये हलवा? कृष्णा ने बनाया। कृष्णा ने बनाया तो एक बार मन किया कि रख दो इसको। लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा है, इसने खा लिया मैंने। वैसे किशा मेरी दोस्त नहीं है, अब मैं उसको इस महल में आने नहीं दूंगा, समझ लेना तुम। कैसा लगा दोस्त? गौरी, जी जी हुकुम। थैंक यू सो मच हलवा बनाने के लिए, एंड ऑल्सो सॉरी मैंने सारा श्रेय हलवे का कृष्णा को दे दिया। जी श्रेय तो उन्हें मिलना ही था, आखिर उन्होंने तो हलवा मारा, मतलब है उनसे सीख के ही तो हमने हलवा बनाया था ना। जी देवराज, आप ऑफिस नहीं गए अब तक? बस निकल रहा हूँ जयमा। अब जयमा पापा का ख्याल रखिएगा, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। बिल्कुल, आप बेफिक्र होके जाइए। ये कौन से पेपर्स थे? पता लगाना पड़ेगा। और फिर अंबिकापुर के महाराज ने अपने दुश्मनों के आगे शेर की तरह दहाड़ लगाया, और उसके दुश्मन के हाथ पैर कांप रहे। जब तक हम खुद की पेपर्स नहीं पढ़ लेते, हम पापा को अकेला नहीं छोड़ सकते। जी महाराज दवाई खा के सोवे हैं, एक बार उठ गए ना तो हम आपको बुला लेंगे। वो उठेंगे तब तुम हमें बुलाओगी। एक काम करो, या तो इस कमरे से बाहर जाओ या इस महल से। बाहर जाएंगे बेटा, लेकिन तेरी जेब से चाबी निकाल के ताला खोलने के बाद। क्या? कुछ नहीं, जावे हैं हम, जावे हैं। महाराज जी उठिए, देखिए हम आपके लिए कितने सुंदर सुंदर पेपर लाए। उठिए ना, देखिए कितने अच्छे कलर्स हैं इसमें, सुंदर है ना। पता है देवराज ये कह रहे थे कि आपको अपनी सिग्नेचर करनी नहीं आती। हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, महाराज जी को तो आती है। बताइए आती है या नहीं? हाँ हाँ, यहीं पे कीजिए ना। एक बार और भी कर दीजिए। हाँ यहाँ। आखिर जयमा ये किन पेपर्स पे पापा के साइन लेना चाहती हैं, वो भी इतनी जल्दबाजी में।
हमें पता था आप जरूर अपनी सिग्नेचर कर पाएंगे। हम ये देवराज को दिखा के आते, आप सो जाइए। होगा हमारा बरसों का बदला पूरा। पता लगा नहीं होगा क्या क्यों पेपर्स में है क्या। कुछ नहीं है दोस्त, सब 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 ठीक है। तुम मुझे अकेला मत छोड़ा करो। कुछ ना हो, आपकी दोस्त है ना आपके साथ। कुछ तो अजीब है। जया माँ अब जया माँ जैसी नहीं लग रही। हमें वो पेपर्स पढ़ने होंगे। थे सब कुछ हमारे हाथ में था, कहाँ रख के भूल गई तुम पेपर्स? भूले नहीं है, यही रखे थे पेपर्स। हम जानते हैं ये काम किसने किया है, उस नई नौकरानी गौरी का। हम उसे छोड़ने वाले नहीं है मां। जयामा के रूम में गई थी ना? मैं क्यों जाऊंगी? मने महाराज जी की सेवा करने से फुर्सत है जो मैं कहीं और जाऊंगी? शट अप। इस महल के लोग अपने ही घर में से तो चीज चुराएंगे नहीं, और रही बात यहाँ के सारे नौकरों की, तो उन्हें तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अब बची तुम्हारा तो हमने चेहरा भी नहीं देखा है, और ना ही तुम्हारा कोई पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है। जयामा के रूम से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज गायब हुई है गौरी, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो तुमने की है। इसलिए अब तुम्हारी मुंह दिखाई कराने का टाइम आ चुका है, वरना यहाँ इस महल से सारी कीमती चीजें गायब होती रहेंगी और पुलिस को हम तुम्हारा ये हुलिया भी नहीं बता पाएंगे। चल। गौरी का चेहरा देखने का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन गौरी का चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अच्छा, तुम्हारा चेहरा तो हम देख के रहेंगे। कामिका, क्या चल रहा है सब? ये हम पे चोरी का इल्जाम लगा रही है, कह रही है जय माँ के कमरे से हमने कुछ चुराए हुए। क्या चोरी हुआ? हमें तो खुद ही नहीं पता देवराज क्या चोरी हुआ है। वामिका, हमें शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ठहरिए, आपकी इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से
इन पे चोरी का इल्जाम लगा, माफी मांगी इनसे। क्या? वही जो आपको सुनाई दिया, माफी मांगी। I'm sorry. गौरी, शाम होने वाली, आप जा सकती हैं। जी, जी हुकुम। उन पेपर्स के गायब होने से जयहमा और वामिका दोनों को इतना फर्क पड़ा? मतलब उन पेपर्स में पक्का कुछ बहुत जरूरी बात लिखी होगी। आखिर इन लोगों ने पापा से क्या साइन करवाया होगा?